अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार घर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। और मैं हूँ नसरीन, आप देख रहे हैं ईटिंग मूड। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार से चटपटी चना चाट बनाएंगे गर्मा गर्म। तो चलें हम जल्दी से शुरू करते हैं। अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। ये मेरे पास 1.5 कप इमली का पल्प है, जिसे मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और फिर अब मैंने हाथों से मसल के इसके जो छिलके होते हैं वो निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ये डालेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये एक आलू है उबला हुआ, जिसको मैंने इस तरह से मैश कर लिया है, ये भी इसमें डालेंगे। 1/2 कप पानी का डालूंगी साथ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे 5 मिनट। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूं। एक टेबल स्पून हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी इसमें लाजमी डालनी है, क्योंकि इससे बहुत ही मजेदार चटपटी बन जाती है, खट्टी मीठी। चम्मच हम इसमें हिलाते रहेंगे, हमने थोड़ा सा इसे ठीक करना है। अच्छे से हमारी ये पक गई है। अब मैं इसमें चने डालूंगी। ये बॉयल किए हुए चने हैं मेरे पास, 7 कप हैं। ये हम डाल देंगे इसमें। ये 2 अदद आलू उबले हुए हैं, इस तरह से मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे पीस। बड़े साइज के 2 आलू थे, ये हम डालेंगे इसमें। 1 अदद प्याज इस तरह से बारीक चॉप की हुई, ये भी हम डालेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये गरम गरम ही चाट खाई जाती है, गरम गरम ही इसे सर्व करना, बहुत मज़ेदार बनती है ये। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं बस। ये थोड़े से बस इमली को पकाना, मसालों को पकाना होता है हमने, बस चीज़ें मिक्स कर दो। अब ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक ये चॉप की हुई मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, ये डालेंगे हम। ये मेरे पास तेज़ वाली मिर्चें हैं, तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हरी मिर्चें इसमें अच्छी लगती हैं, आप ज़्यादा डालेंगे तो तेज़ वाली ना हो, बाकी दूसरी ज़्यादा डाल सकते हैं आप। अब हम चूल्हे से उतार लेंगे इसे। चूल्हे से उतारने के बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये मेरे पास 3 अदद टमाटर थे, जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। याद रखें, ये चूल्हे से उतारने के बाद डालने हैं आपने। ये गरम गरम इस तरह से सर्व कीजिएगा, अब गरम गरम ही सर्व करनी है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया मेरे पास 2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी, 1 लेमन का जूस है, 3 टेबलस्पून होगा। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें लाजमी डालना है ये लेमन जूस, क्योंकि इसके बगैर चाट अच्छी नहीं लगती, चाट की ये जान होती है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया से ऊपर से गार्निश कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी चटपटी गर्मा गर्म चना चाट रेडी है।
तो वेगा हमारी मजेदार सी गर्मा गर्म चना चाट रेडी हो चुकी है। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।